ऐसा है कि हमने लकी दिन जो है 9 तारीख है और तब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, उक्ति कई बार कही जाती है कि सूत ना कपास जुलाहे की लठम लठा, या ये कह सकते हैं इसको कि दूल्हा तैयार हुआ नहीं और अब बारात पहले सजनी शुरू हो गई, या फिर एक और उक्ति भी कई बार कही जाती है कि गांव बसा नहीं खैर। इन सब उक्तियों का मकसद एक होता है, इन सब उक्तियों का जो अर्थ है वो लगभग एक है, और इनका अर्थ ये है कि अभी तक कुछ तैयारी हुई नहीं लेकिन सहरे सजने पहले शुरू हो गए। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पूरे हरियाणा के सियासी गलियारों में इस समय एक बात चर्चा में है, एक घोषणा चर्चा में है, एक ऐलान चर्चा में है, और वो ऐलान है, वो बात है, वो घोषणा है रेवाड़ी के विधायक और कप्तान साहब के लाडले चिरंजीव राव की। चिरंजीव राव कप्तान अजय यादव के बेटे हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। तेजस्वी और तेज प्रकाश यादव के जीजाश्री हैं। तो चिरंजीवी राव का जो अंदाजे बयां है कुछ हटके है, और चिरंजीव राव ने अभी 2 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने और उनके पिता श्री कप्तान साहब ने, अजय यादव जी ने ऐलान कर दिया कि चिरंजीव राव 9 सितंबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, नामांकन पत्र भरेंगे, और इसके साथ ही ऐलान कर दिया कि चिरंजीव राव हरियाणा की अगली सरकार के अंदर उप मुखिया होंगे, यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री। इसलिए मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में कहा था कि सूत ना कपास जुलाहे की लठम लठा, और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि दूल्हा कोई तैयार हुआ नहीं, बाराती पहले सज गए, यानी कि दूल्हे का मतलब हुआ मुख्यमंत्री और बाराती हुए उसके साथ के सरकार के वजीर, और मुख्यमंत्री तब बनेगा जब सरकार बन जाएगी, और सरकार तब बनेगी जब 46 विधायक मिल जाएंगे, और 46 विधायक तब मिलेंगे जब चुनाव हो जाएगा, और चुनाव तब होगा जब नामांकन शुरू हो जाएंगे, टिकटें मिल जाएंगी। ये ठीक है कि कप्तान साहब को और उनके लाडले चिरंजीव राव को पूरा भरोसा होगा, उनको उनको इतना आत्मविश्वास जरूर होगा कि उनकी पार्टी उनको ही टिकट देगी। हम भी मान सकते हैं क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं, और कप्तान अजय यादव का भी हाल ही में लोकसभा का टिकट भी कट गया था। लोकसभा का टिकट कटने के बाद कप्तान साहब गुस्सा भी हुए थे, शांत भी हुए थे, नरम भी हुए थे, गरम भी हुए थे, और अब इसलिए उन्होंने, हो सकता है कि उनको लगा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए, कि टिकट उनकी तय है। कप्तान अजय यादव 6 बार विधायक रहे हैं। रेवाड़ी में 1989 के दशक में, यानी कि 1990 से पहले वो उपचुनाव में पहली बार विधायक बने थे कांग्रेस के टिकट पर। कप्तान साहब रघु यादव उस समय विधायक हुआ करते थे रेवाड़ी के, चौधरी देवीलाल की सरकार के अंदर रघु यादव जलयुद्ध के पुरोधा बने और उन्होंने उस समय, उनका रिजाइन हो गया। उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में पहली बार जीत के आए कप्तान अजय यादव, और उसके बाद कप्तान साहब लगातार जीतते रहे। 2014 के चुनाव में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव हार गए। 2019 के चुनाव के अंदर कप्तान साहब की जगह उनके बेटे चिरंजीव राव को टिकट मिला विधानसभा का, और चिरंजीव राव विधायक बन गए, चुनाव जीत गए, हालांकि मार्जिन बहुत कम रहा। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी फूट थी, क्योंकि रणधीर सिंह कापड़ीवास इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे और भारतीय जनता पार्टी का टिकट था वो सुनील मुसेपुर के पास था। 2014 में रणधीर सिंह कापड़ीवास भाजपा के विधायक बने थे, 2019 के चुनाव में उनका टिकट कटा, टिकट कटने पर वो आजाद चुनाव लड़े, और उस चुनाव के अंदर आजाद लड़ने की वजह से सुनील मुसेपुर दूसरे स्थान पर रहे, चिरंजीव राव चुनाव जीत गए। अब चिरंजीव राव ऐलान कर रहे हैं कि 9 सितंबर को नामांकन करूंगा। अब सुनिए पहले कैसे बता रहे हैं कि नामांकन करने की तिथि अपनी वो पूरा करेंगे और कांग्रेस को 75 बार भेजने का काम हम लोग करेंगे। अभी बहुत देर से लोग कह रहे थे कि भाई चिरंजीव अगर बन जाता है तो उसको मंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, आपका सहयोग मेरे साथ रहा, आप युवा साथियों का साथ मेरे साथ रहा, तो विधायक आप बनोगे, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लेके आने का काम मैं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
और आज ये सच्चाई है, आप हरियाणा के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति के जुबान पे एक ही बात है कि भाई देश में कहीं सरकार बने ना बने, हरियाणा में सरकार जरूर बनेगी। तो 9 सितंबर को नामांकन करने की, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो 5 सितंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा, 12 सितंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, और इसलिए कप्तान साहब और उनके बेटे चिरंजीव राव ऐलान कर रहे हैं क्योंकि 9 का अंक शुभ है। कप्तान अजय यादव कह रहे हैं कि 9 हमारे लिए लक्की है, लक्की 9, हमारी गाड़ी का नंबर 9, हमारे बेटे का जन्मदिन का अंक उन्होंने बताया 9, यानी कि बहुत सारी बातें बता दी। आप वो भी सुनिए कप्तान साहब ने जो कहा और कह दिया कि 9 तारीख को इसलिए नामांकन का ऐलान कर दिया है। जब कोई मैं बात कहता हूं तो यकीन से कहता हूं, लेकिन पक्की मैं कह रहा हूं, जो बात कहता हूं यकीन से कहता हूं। 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर, लकी नंबर। चौधर आएगी दोबारा से नहीं आएगी? भाई चौधर तो MLA डिसाइड करेंगे, जो विधायक चुन के आएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे, ना मेरे हाथ में है, ये हाई कमांड के हाथ में है, और MLA जो चुन के जाएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे। एक बड़ी बात की आपने नॉमिनेशन की भी घोषणा कर दी, टिकट भी डिक्लेयर कर दी, नो डाउट टिकट मिलेगी, आप सबसे बड़े दावेदार है, लेकिन क्या पार्टी के इस तरह से अनुशासन नहीं दिया जिस तरह से आपने किया है? ऐसा है कि हमने लकी दिन जो है 9 तारीख है और तब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी। इसके साथ दूसरा ऐलान किया उप मुख्यमंत्री बनने का, कि सरकार आएगी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। OBC में आते हैं कप्तान साहब और उनके बेटे चिरंजीव राव, OBC के कांग्रेस के बड़े नेता हैं कप्तान अजय यादव, और हो सकता है उनको लगता हो कि क्योंकि उनकी लोकसभा का टिकट कट गया था और कैप्टन अजय यादव खुद मंत्री रहे हैं सरकारों के अंदर, चौधरी भजनलाल की सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, कई सरकारों में वजीर रहे हैं वो, और इसलिए उन्होंने कहा होगा कि उनकी वजारत के बदले में उनके बेटे को थोड़ा और ऊंचा मिल जाएगा। फिर वो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, इसलिए उनका जो पॉलिटिक्स ऑरा होगा वो हाई रहेगा, इसलिए उन्होंने सोच लिया होगा कि भाई सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे। पर बात तो वही है जनाब कि सरकार बनेगी तो ही तो बनेंगे, सरकार बनेगी जो मैंने आपको बताया 46 विधायक बनने पर। लेकिन अगर जिस प्रकार की स्थिति चल रही है, भले ही कोई सट्टा बाजार कुछ कह रहा हो और भले ही चुनावी सर्वे करने वाले कुछ कह रहे हो, मैं उनकी बात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा का जो माहौल दिखाई दे रहा है वो ऐसा लगता है कि चुनावी संघर्ष कड़ा होगा हरियाणा के अंदर। आप ये मान करके चलें कि भले ही कांग्रेस के लोग दमादम है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग दमादम है, भले ही भाजपा कह रही है कि हैट्रिक बड़ी आराम से बना लेंगे, और भले ही कांग्रेस को लग रहा हो कि 10 साल का सूखा आसानी से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मतदाता होते हैं बड़ा सोच समझ कर फैसला करते हैं, और मतदाता के मन में क्या चल रहा है अभी इसको समझना, जानना, परखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोकसभा और जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें 5-5 लोकसभा की सीटें जीत करके, मैं कहूंगा तो ये कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार करके काफ़ी कुछ मंथन मनन चिंतन के दौर में होगी, तो कांग्रेस 5 सीटें जीत के उनका आत्मविश्वास जरूर सातवें आसमान पर होगा। इस लिहाज से जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के मुद्दे भी अलग होते हैं, ये किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या चलेगा अभी, क्योंकि चुनावी नगाड़ा अभी तो बजा है, अब ताज साज सब कुछ सजने शुरू होंगे, अब बातें शुरू होंगी और अब हिसाब किताब शुरू होंगे। हिसाब किताब तो है खैर हुड्डा साहब मांग ही रहे हैं आजकल, दीपेंद्र हुड्डा भी मांग रहे हैं, लेकिन जनता का हिसाब जो होता है, जनता का जो बही खाता होता है वो बड़े अलग हिसाब से चलता है। इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मविश्वास जरूरी तो है, लेकिन अगर वो आत्मविश्वास एक लेवल से ऊपर जाता है तो कई बार वो फिर खतरे की घंटी होता है। कप्तान साहब ने तो घोषणा कर दी है कि 9 सितंबर को नामांकन और फिर हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री सरकार आने पर, हालांकि दीपक बावरिया ने विरोध किया है इस बात को लेकर के। दीपक बावरिया ने, मैं एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर पढ़ रहा था, उसमें दीपक बावरिया जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि चिरंजीव राव को
जरूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से फैसले हुआ करते हैं, सरकार आने पर किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, इसका फैसला कौन करता है, ये उनको अच्छे से पता होना चाहिए और इसलिए उनको इस प्रकार की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं करनी चाहिए। खैर, अब जो हो गया वो तो हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि जो कमान से निकला हुआ तीर और जवान से निकली हुई बात वो वापस नहीं हुआ करती। और अब कप्तान साहब ने तो कह दिया है, कप्तान साहब के बेटे ने भी कह दिया है कि 9 सितंबर को नामांकन, लगता है जीत तो वो जाएंगे ही, उनको भरोसा है, जनता जताई देगी उनको। कह दिया है कि 9 सितंबर को नामांकन और फिर 4 अक्टूबर के बाद हरियाणा सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है रेवाड़ी का रण कैसा होगा? रेवाड़ी जो पीतल नगरी है उसके अंदर कौन चुनाव जीतेगा और कौन चुनाव हारेगा? और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर उसके अंदर कप्तान साहब का लाडला उप मुख्यमंत्री बनेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।